आज हम बताएंगे नाइट्रोजन गैस क्या है वह हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी रासायनिक एलिमेंट है जो पृथ्वी के पूरी वायुमंडल में उपस्थित है, जिसका रासायनिक सूत्र N है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। इस गैस की खोज 1773 में हुई थी, जिसका नाम एजोट रखा गया था। बाद में 1790 में नाइट्रोजन नाम दिया गया, जो कि आज कृत्रिम वीर्य को सुरक्षित रखने में उपयोग में आती है। इसका प्रयोग दूसरे फील्ड में भी किया जाता है, परंतु वेटनरी फील्ड में कृत्रिम वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए इसका लिक्विड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस गैस का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होते हैं, जो कि 321 फारेनहाइट होंगे। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। यह वीडियो बायफ संस्थान के BLDA केंद्र गंज चौक नया गांव सहदेव बुजुर्ग का है। वीडियो पे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि इस तरह की अनोखी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी आप देख रहे हैं कैसे बायफ केंद्र के एलेंटो सप्लायर सावधानी पूर्वक सीमेंट काउंटिंग कर रहे हैं। इसी तरह बायफ केंद्र के सभी स्टाफ कार्य करते हैं, चाहे वह केंद्र के केंद्र प्रभारी हो। बायफ एक ऐसी संस्थान है जो कि अच्छी तरह ट्रेनिंग कराकर ही अपने स्टाफ को उतारती है। आप सराहन सी बात है, एक L&T सप्लायर के कार्य को देखकर भी अनुभव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे देखा गया है कि बायफ में कार्य करने के बाद वे कुछ प्रैक्टिशनर गण कार्य छोड़कर प्राइवेट कार्य कर रहे हैं, उनका भी कार्य खराब नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जो बायफ में कार्य कर लिए हैं वह कुशल प्रैक्टिशनर बन गए, क्योंकि बायफ जो है कुशलता पूर्वक सावधानी पूर्वक ट्रेनिंग कराती है और हर बात को बताती है। यह अनुज जो है काउंटिंग कर रहे हैं, उसी से आपको अनुभव हो सकता है कैसे सीमेंट की काउंटिंग कर रहे हैं। यह जो काउंटिंग कर रहे हैं HF50 सीमेंट है, जो बायफ का ही है। बायफ के सीमेंट से जो बच्चा है बहुत ही अच्छा आता है। जी, आप स्वयं देख सकते हैं, हम पे विश्वास नहीं तो हमारे क्षेत्र में बहुत से जगह पर बच्चे आए हैं, आप स्वयं मिलकर देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, सुल्तानपुर राम नरेश सिंह के यहां देख सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं, लेकिन कितने का नाम बताया जाए। बायफ के द्वारा जितने भी अच्छे बच्चे आते हैं उसका फोटो लिया जाता है और कुछ फोटो लेकर अनुभव किया जाता है कि बच्चे कैसे आ रहे हैं। उसके बाद उससे भी अच्छा क्वालिटी उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। यह हमेशा रिसर्च करते रहती है। अभी तत्कालीन में BLDA द्वारा परियोजना लेकर बायफ कार्य कर रही है,
जो पशुपालक के लिए बहुत ही राहत की बात है। कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में बायो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके सीमेन से जो बच्चे आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। इस कंपनी के सांड जो है बहुत अच्छी नस्ल की है। अब अनुज मुर्रा नस्ल की भैंस का सीमेन देंगे, जो आप देख रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं अभी एलएनटू सप्लायर अनुज कुमार कितने सावधानी पूर्वक सीमेन काउंटिंग कर रहे हैं। जब मैं बायप केंद्र पर ट्रेनिंग लिया था उसमें भी देखा था कि और अनुभव किया था कि बायप के जितने भी टीचर्स गण थे बहुत अच्छे थे और अच्छी तरह से हमें बताएं। आज हम उन्हीं के देन हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर देखा गया कि प्रकाश थी यानी कि धूपा था, तो अनुज सावधानी पूर्वक पहले कंटेनर को ठंडा में लाएं, जो गाड़ी से कुछ ठंडा है वहाँ पर लाकर ही सीमेन अंदर डालें। अब हम सीमेन ले चुके हैं और अब हम पहले से कंटेनर में LN2 कुछ था इसलिए सीमेन दे दिया गया है। अब कंटेनर में पूर्णतः भरा हुआ सीमेन नहीं है, कार्य करने के लिए नाइट्रोजन नहीं है। कार्य करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है, अतः अभी हम नाइट्रोजन लेंगे। देखिए एक टिप लगा दी है इन्होंने कंटेनर में। अब सावधानी पूर्वक ये जो है जो पहले बचा हुआ था उस नाइट्रोजन को रख रहे हैं जिससे मैं सीमेंट काउंटिंग किए थे, या एक फोम का बर्तन बनाए हुए हैं जिसमें सीमेंट काउंटिंग करते हैं। देखिए एक लड़का यह नाइट्रोजन के पास जा रहा है, इसे हम डांट रहे हैं, इसे समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास नहीं जाना है। ये नाइट्रोजन जो है बहुत ही नुकसानदायक है जो कि हमारे शरीर को खराब कर सकता है, ये बहुत ही ठंड होती है, इसलिए हमें नाइट्रोजन से खेल नहीं करना चाहिए। ये छोटा लड़का भी देख रहा है इस ए लड़का हर जाओ ए लड़का तुम साइड हो जाओ, ये लड़का नहीं मान रहा है, बार बार जा रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसे समझा दिए, अब यह बगल में नहीं सटेगा। देखिए हम सावधानी पूर्वक नाइट्रोजन डालने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा नाइट्रोजन बाहर गिर जाएगा, इसलिए हमने सबसे पहले वो जो फोम का बनाए हुए थे उसको रखकर ऊंचा किए। देखिए हम फिर LN2 रख रहे हैं, ये भी LN2 सप्लायर ही हैं, अभी जो आकर पकड़ लिए कंटेनर को। अब हम सावधानी पूर्वक देख रहे हैं कि ये छोटा बच्चा छुए नहीं, ये बार बार जाकर छू दे रहा है। अब देखिए हम सावधानी पूर्वक रखकर ले जाएंगे। अब हम अपने सेंटर पर ले जा रहे हैं, यह मेरा सेंटर हुआ बाय पशु कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो आप देख रहे हैं।
और हम सावधानी पूर्वक सेंटर पर रख दिए हैं कंटेनर को और बंद भी कर दिए हैं। जो सीमेंट कंटेनर में ज़्यादा नाइट्रोजन था जिसे हमने 3 लीटर कंटेनर में डाल दिया है और हमारा कार्य इसी 3 लीटर कंटेनर को फील्ड में ले जाकर किया जाता है।